केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक का एग्जाम्पल। तो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फैक्ट्री रिलेटिंग टू वीक्स एरिथमेटिक मीन, यानी मीन की वैल्यू दी हुई है रुपीज में 56.8, मीडियन की वैल्यू दी हुई है 59.5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसडी की वैल्यू दी हुई है 12.4। गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीक्स, यानी कि स्क्रू हमको फाइंड करना है एस के, उसके बाद हमको फाइंड करना है मोड। तो ये क्या होगा, उसके लिए हमको वीक्स यानी कि नेगेटिव स्क्रूनेस हमको मिलेगी या नहीं वो हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे मीन की वैल्यू दी हुई है म्यू इज इक्वल टू 56.8, मिडन की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 59.5, सिग्मा की वैल्यू वेरियंस की वैल्यू दी हुई है 12.4। हमारे पास सबसे पहले एस के की फॉर्मूला है, एस के इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मिडन। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 3 क्यों लिया, हमारे पास जो मोड यहाँ पे नहीं है अपॉन सिग्मा, यहाँ पे हमारे पास आएगा मीन माइनस मोड, लेकिन जो मोड है उसकी फॉर्मूला हमारे पास है, उसके ऊपर से हमने उसको सब्जेक्ट करके इसमें से कॉमन लिया है। तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पे होगा 3 इंटू 56 माइनस इंटू 0.8 माइनस 59.5 अपॉन 12.4। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 56.8 माइनस 59.5 इंटू 3 होगा माइनस 8.1 अपॉन 12.4। तो हमारा आंसर होगा माइनस 0.65। ये हो गया हमारा एस के। उसके बाद हमको फाइंड करना था मोड। मोड फाइंड कैसे करेंगे हम, मोड फाइंड करने के लिए मोड की फॉर्मूला है हमारे पास 3 मिडन माइनस 2 मीन, इन दोनों की वैल्यू रख देंगे हम तो हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 59.5 माइनस 2 इंटू 56.8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 64.9। ये हो गया हमारा आंसर इनर रूपीस, यानी कि मैक्सिमम वीक्स कितनी मिली हमको रुपीस में 64.9। यानी कि देयर इज नेगेटिव स्क्रूनेस, यानी कि जो एसके की वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव।